इधर रांची के सदर अस्पताल और पीएससी में 7 सालों तक काम किए 155 सुरक्षा कर्मियों को हटाए जाने के बाद वे लगातार पिछली सरकार से लेकर अब तक अपनी नौकरी वापस देने की गुहार लगा रहे थे, लेकिन उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। इस बार भी इन लोगों ने स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपनी बातों को रखा है। उनका कहना है कि नौकरी से हटाए जाने के बाद उनकी आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है, लिहाजा सरकार उनकी मांगों को सुने और जल्द से जल्द उन्हें दोबारा बहाल किया जाए। कि हम लोग 155 सुरक्षा कर्मी हैं, जो कि हम लोग सदर हॉस्पिटल के अंतर्गत जिले में जितने भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं सभी स्वास्थ्य केंद्रों में हम लोग लगभग 7 साल मामूली मानदेय में, शुरुआत में हम लोग का 3500 पेमेंट मिलता था, फिर हम लोग जब विरोध किए तो हम लोग का पेमेंट 6400 हुआ, और उसके बाद 7 साल के बाद अभी हम लोग को 1 मार्च 2019 से ही हटा दिया गया था। कोई कारण नहीं था, अगर कोई कारण रहता और हट जाते तो हम लोग को कोई ये नहीं होता कि हम अपने गलती से हम लोग को हटे हैं। उसके बाद पूर्व के जो स्वास्थ्य मंत्री श्री रामचंद्र बंसी जी थे उनके पास हम लोग गए, विरोध किए, तो उन्होंने आदेश भी जारी किए, चिट्ठी लिखे कि ऐसे में हटा देना सही नहीं होगा, 7 साल ये लोग सेवा किया है, ये विचार विमर्श के साथ ये काम किया जाना चाहिए।